जनवरी माह मासिक राशिफल 2024। 2024 की शुरुआत क्या चुनौती भरी रहेगी? 2024 की शुरुआत क्या शानदार रहेगी? 2024 की शुरुआत क्या लाभदायक रहेगी? धनु मकर कुंभ मीन, क्या कहता है जनवरी मासिक राशिफल 2024? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद है आचार्य महेंद्र शर्मा जी। महेंद्र जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी, सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। लेकर आप लोगों के लिए लेकर आए हम मासिक राशिफल 2024। बात कर रहे हैं जनवरी की। जी हाँ, 24 की शुरुआत यानी कि जनवरी माह में आप लोगों के लिए क्या कुछ है आज के इस वीडियो में हम बात करें धनु मकर कुंभ मीन इन चार राशियों के बारे में। मैं जिसे ये जानेंगे कि जनवरी माह से इन चार राशियों का आने वाला समय किस तरह से बदलने वाला है और कैसे बदलेगा, हर पहलू पर बात करेंगे फटाफट से। सबसे पहले मैं जी मैं आपसे जानना चाहूंगी किन ग्रह नक्षत्रों में 24 की शुरुआत हो रही है यानी कि जनवरी की। देखिए, जनवरी की शुरुआत देखें तो सूर्य और मंगल इस समय जो है वो धनु राशि में रहेंगे और चंद्रमा नववर्ष की शुरुआत में सिंह राशि में रहेंगे जी। और अगर बुध शुक्र की बात करें तो वृश्चिक में नजर आ रहे हैं ये। बृहस्पति मेष राशि में रहेंगे। अच्छी बात क्या है कि बृहस्पति अब मार्गी हो जाएंगे यहाँ पर, और शनि जो है अपना कुंभ राशि में ही विराजमान रहेंगे, और राहु मीन राशि में और केतु जो है वो आपका कन्या राशि में रहेंगे। तो ये वर्ष की ग्रह स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, खासकर इस महीने की यानी कि प्रथम महीने की। और देखिए, वर्ष की शुरुआत में कविता जी चीज देखी गई है कि जो ग्रह जहां बैठा है उसका फल हमारी राशि के अनुसार, यानी कि अगर वर्ष की शुरुआत में आपकी राशि के अनुसार चंद्रमा चतुर्थ भाव में, छठे भाव में, अष्टम या द्वादश भाव में रहता है तो वो वर्ष थोड़ा सा हम देखते हैं संघर्षकारी भी रहता है। या अगर चंद्रमा की स्थिति शुभ है तो उसका वर्ष भर आपको ये रिजल्ट शुभ देखने को मिलता है। तो ये ग्रह स्थिति बनी रहेगी। विषयों का निर्माण भी हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि शनि चंद्रमा को देख रहे हैं और साथ साथ लक्ष्मी नारायण योग भी है, शुक्र बुध की युति है, तो ये दोनों बहुत अच्छे बने हुए। मतलब एक शुभ योग बृहस्पति कुलदीपक या राजयोग बना के बैठे हैं मेष राशि में, शनि शश नाम का राजयोग, तो तीन शुभ योग और एक अशुभ योग की युति हो रही है। चलिए सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इसी शुभ अशुभ योग में जनवरी की जो शुरुआत हो रही है, सबसे पहले धनु के लिए कितनी यादगार साबित रहेगी? धनु राशि वालों के लिए ये जो महीना रहेगा, आप ही की राशि में सूर्य और मंगल रहेंगे, तो देखिए धनु राशि वालों के लिए ये महीना काफी अच्छा रहेगा। खासकर बात करें आपके नौकरी या बिजनेस में या धन लाभ के लिए ये महीना सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि लगन में सूर्य मंगल की युति आपको विशेष लाभ देगी, काम कारोबार बढ़ेगा, नौकरी में प्रमोशन के योग बनेंगे, नई नौकरी के भी योग बनते हुए नजर आ रहे हैं और आपका आर्थिक पक्ष जो है काफी मजबूत रहेगा। इस महीने मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी और उत्तम मात्रा में धन लाभ होगा। जो लोग राजनीति से जुड़े हुए उनको विशेष लाभ मिलेगा। छात्रों के लिए ये समय काफी अच्छा कहा जा सकता है, यानी कि मेहनत करेंगे तो सफलता निश्चित है। अगर आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बात करें तो आपकी सेहत भी जो है इस महीने काफी अच्छी रहेगी, क्योंकि बृहस्पति और शनि की स्थिति आपकी बहुत ही बढ़िया संकेत दे रही है। लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, इसमें थोड़ी सी दिक्कत नजर आ रही है, क्योंकि लगन में अभी मंगल सूर्य के साथ है, तो वाणी पर संयम रखें धनु राशि वालों, कहीं ऐसा ना हो कि आप गलत शब्दों का इस्तेमाल कर लें और आपके मित्रों के साथ, पारिवारिक जीवन में या अपनी धर्मपत्नी के साथ संबंधों में कोई कड़वाहट पैदा हो जाए, उस चीज से थोड़ा सा बचना है। बाकी स्थिति, ग्रहों की स्थिति आपकी पूरी फेवरेबल है। मकर के लिए, मकर राशि वालों के लिए ये शुरुआत जो बनती हुई नजर आ रही है, ये थोड़ी सी एक इनके लिए टेस्टिंग टाइम रहेगा, यानी कि 10 जनवरी का समय जो है, 1 से 10 जनवरी तक मकर राशि वालों थोड़ा संघर्ष बना रहेगा। सेहत संबंधी परेशानियों से दो चार होना पड़ सकता है। 8 जनवरी तक थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखें और 10 जनवरी तक कहीं भी धन का निवेश आपको नहीं करना चाहिए। उसके बाद की स्थिति आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी, लेकिन संपूर्ण मास में ही मैं सलाह दूंगा कि आप वाहन संभाल के चलाएं और अपनी वाणी पर थोड़ा संयम रखें। छात्रों के लिए महीना काफी अच्छा है, पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत शुभ रहेगा। काम कारोबार के दृष्टिकोण से देखें तो आपको आर्थिक पक्ष के नजरिए से बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि शुक्र बुध की युति जो है शुरुआत में ही लाभ स्थान में है जी। तो अच्छा खासा धन लाभ आपको पूरे महीने होता चला जाएगा। और नौकरी पेशा जो लोग हैं उनको थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा संभल के चलें। 7.5 का पड़ाव भी है जी। तो यहाँ थोड़ा सा संभल के आपको चलना पड़ेगा।
और ओवरऑल ये महीना आपके लिए मैं कह सकता हूँ कि मकर राशि वालों थोड़ा सा मिला जुला है, खासकर 10 तारीख तक, उसके बाद की जो स्थिति है वो आपके लिए बेहतर होती हुई नजर आ रही है। कुंभ के लिए कैसे रहेगा, क्योंकि कुंभ में शनि रहेंगे और साल की शुरुआत में भी रहेंगे, इस वजह से? देखिए, कुंभ राशि वालों की बात करें तो कुंभ राशि वालों के लिए ये महीना एक हम कहते हैं कि अच्छा लाभकारी साबित होगा। चंद्रमा और सूर्य की स्थिति आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, इसके चलते आपको संपूर्ण मास में काम कारोबार में अच्छा लाभ मिलेगा, धन लाभ की संभावनाएं बढ़ेंगी। और कुंभ राशि वालों के लिए ये समय सुख साधनों के लिए बहुत अच्छा नजर आ रहा है। अगर आप घर लेना चाह रहे हैं, वाहन लेने का प्लानिंग कर रहे हैं, तो कुंभ राशि वालों ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। सेहत के नज़रिए से भी सूर्य की स्थिति बहुत बलवान है और चंद्रमा भी अच्छी स्थिति में है, तो इस महीने आपकी सेहत भी काफ़ी अच्छी रहेगी, तो किसी तरह की कोई परेशानी आपको नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपकी राशि में शनि है तो भाई दो चीज़ त्याग दें, आलस्य बिल्कुल त्याग दें और लापरवाही बिल्कुल ना करें, अन्यथा तो आप हर मोर्चे पे विफल हो सकते हैं। मतलब अगर आपको सफल होना है तो आपको लापरवाही छोड़नी पड़ेगी। और दूसरी बात यह है कि किसी भी काम में जल्दबाजी करना, कहीं धन का निवेश करना, वो इस महीने आपको बचना चाहिए, खासकर 15 जनवरी के बाद से, क्योंकि वहाँ सूर्य की स्थिति आपको थोड़ा सा नुकसान भी करा सकती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, तो ओवरऑल ये महीना आपके लिए वैसे ठीक ही रहता हुआ नज़र आ रहा है। सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट इस महीने क्या रहेंगे इनके लिए, कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट है कि व्यापारियों को धन लाभ अच्छा होगा जी। और जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए भी ये समय जो है थोड़ा सा संभल के चलने का है, लेकिन फिर भी स्थितियाँ जो बता रही हैं वो आपके लिए ठीक ही रहेंगी। चलिए जाते जाते बात कर लेते हैं हम मीन के बारे में। मीन राशि वालों, ये महीना आपके लिए अगर हम देखें तो सूर्य की स्थिति आपकी बहुत बलवान है, यानी कि इस पूरे महीने आप ऊर्जा से भरपूर रहने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति जो है, आपके छठे भाव में चंद्रमा आ गए तो शत्रु बाधा भी परेशानी करेंगे, यानी कि आप आगे बढ़ते रहेंगे और शत्रु आपके काम में रुकावटें डालते रहेंगे, लेकिन अंत में विजय आपकी ही होगी, तो ये बात समझ लीजिए। लेकिन इस महीने लग्न भाव में राहु जो है थोड़ा सा मानसिक तनाव दे सकता है, तो स्ट्रेस से आपको बच के चलना पड़ेगा। और वैवाहिक जीवन की नज़रिए से बात करें तो ये महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा है, लव रिलेशनशिप स्ट्रांग होंगे, मैरिड लाइफ आपकी अच्छी रहेगी और स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी परेशानियां रह सकती हैं, क्योंकि 12वें भाव में शनि है और 6ठे भाव में कविता जी इनके हो गया है आपका चंद्रमा, तो इसलिए इनको इस समय पे इस महीने में अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। संपूर्ण मास ही तो बेहतर रहेगा। और अगर बात करें धन लाभ की, तो धन लाभ के लिए महीना अच्छा है और रिलेशनशिप के लिए भी ये महीना थोड़ा सा मिला जुला रहेगा। मीन राशि वालों, इस समय स्ट्रेस को अवॉइड करें और अकेलापन अगर आपको फील होता है तो अपने परिवार में, मित्रों से या दोस्तों से या अपनी पत्नी के साथ या अपने जिसको भी आप चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा उनसे आप बातें करें और कोशिश करें कि अकेले ना बैठे, अन्यथा तो आप डिप्रेस हो सकते हैं या कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे। इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, बिल्कुल, कहीं ना कहीं अपने आप को बिजी रखेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। खासकर ये उनके लिए ज़रूरी है जो व्यक्ति इस समय घर पर बैठे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं किसी भी कारणवश, जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिनकी आयु 60 साल से ऊपर है, वो इस समय थोड़ा सा मानसिक तनाव ले सकते हैं। हो सकता है कि अपने भविष्य को लेकर चिंता या संतान की चिंता करेंगे, तो ये व्यर्थ की चिंता रहेगी मेरे ख्याल में। तो आप अपना समय जो है, अपना कीमती समय खराब ना करें, बुक्स पढ़ें या कुछ भी ऐसा कार्य करें जिससे कि आप बिजी रहें, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। खासकर सेहत का भी इस महीने ध्यान रखना बहुत जरूरी है। चलिए, तो इसी के साथ मुझे और मेंग शर्मा जी को दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।